हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है टेक्निकल लेडी में। आज हम आपको लेटेस्ट और अपकमिंग गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिससे आप सभी को सरकारी योजना के बारे में पता चल सके। आने वाले वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में शेयर करें, जिससे उन सभी को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आप कुछ नया सीखते हैं। बैंक सखी योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 22 मई 2020 को राज्य की महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सखी तैनात करने का फैसला किया गया है। अब ग्रामीण लोगों को बैंक में यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि सखी घर पर ही पैसे की डिलीवरी करेगी। कुछ दिन पहले से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है। आइए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेशी बैंकिंग सखी स्कीम से जुड़ी पात्रता, उद्देश्य, रजिस्ट्रेशन संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। अतः हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी बैंकिंग सखी योजना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यूपी बैंकिंग सखी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं एमबीजीटी मोड के माध्यम से लोगों के घर पर बैंकिंग और पैसे का लेन देन करेंगी, जिससे ग्रामीण लोगों को भी सुविधा होगी और महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। नई यूपी बैंकिंग सखी योजना 2020 से ग्रामीण महिलाओं को कमाई के लिए काम करने में मदद मिलेगी। इन महिलाओं को 6 महीने तक 4,000 रुपये की धनराशि प्रति माह सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा बैंक से भी महिलाओं को लेन देन पर कमीशन मिलेगा, जिससे उनकी हर महीने की आय निश्चित हो सकेगी। आइए अब जानते हैं यूपी बैंकिंग सखी का उद्देश्य। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे देश में फैला हुआ है, जिसके वजह से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। अब लोगों को घर बैठे बैंकिंग प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा, वह ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर लोगों को बैंक से जुड़ी सभी सुविधाएं, जैसे पैसे का लेन देन, जानकारी आदि प्रदान करेंगी। यूपी बैंकिंग सखी योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार प्रदान करना और बैंक खाता धारक को तनाव कम करना। अब राज्य के लोगों को भी बैंक में लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रह सकते हैं। इस तरह की सरकारी योजनाओं की ताज़ा जानकारी पाने के लिए अभी टेक्निकल लेडी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं यूपी बैंकिंग सखी के मुख्य तत्व क्या हैं। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश बैंकिंग सखी योजना के अंतर्गत लगभग 58,000 महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के तहत चुनी गई महिलाओं को नौकरी मिलेगी और अगले 6 महीने तक प्रतिमाह 4,000 रुपये की धनराशि सैलरी के रूप में दी जाएगी। डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए 50,000 रुपये की सहायता धनराशि प्रत्येक बैंक सखी को दी जाएगी। बैंक उन्हें निश्चित गारंटी मासिक आय सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मोड के माध्यम से किए गए प्रत्येक लेन देन पर कमीशन प्रदान करेंगे। इन महिलाओं की जिम्मेदारी गाँव गाँव जाकर लोगों को बैंकिंग के प्रति जागरूक बनाना, यही नहीं घर बैठे ग्रामीणों के बैंक से जुड़े जरूरी काम भी निपटाएंगी। एक बैंकिंग सखी को तैयार करने में कुल 14,000 रुपये का खर्च आएगा। 6 महीने का प्रोत्साहन राशि इसलिए दिया जाएगा ताकि महिलाएं आर्थिक दिक्कतों के कारण काम को ना छोड़ें। ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित महिलाओं को अपने दरवाजे पर लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए सभी महिलाओं को आवेदन करना होगा। अब आपको बताते हैं बैंक सखी के दायित्व क्या हैं। चयनित सखी घर घर जाकर लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना से अवगत कराएगी, साथ ही साथ बैंक की सुविधाओं की जानकारी भी देगी। इसके अलावा बैंकिंग के महत्वपूर्ण कार्य सरकार द्वारा दी गई बैंकिंग मशीन के द्वारा लोगों को घर जाकर और घर बैठे ही निपटाए जाएंगे। इस तरह के और योजनाओं के वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। चलिए अब जान लेते हैं योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक योग्यता। सखी योजना के लिए उन महिलाओं का चयन किया जाएगा जो बैंकिंग काम काज को समझने के साथ ही लिख पढ़ सकें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने की समझ होनी चाहिए, आवेदक महिला का 10वीं पास होना जरूरी है।
बैंक सखी योजना के दस्तावेज आवेदक उत्तर प्रदेश स्थायी निवासी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, स्मार्टफोन और बैंक अकाउंट का विवरण तथा मोबाइल नंबर। अब आपको बताते हैं बैंक सखी योजना में आवेदन कैसे करें। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी महिलाएं इस योजना के तहत रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहती हैं और सभी ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना चाहती हैं, तो उन्हें बीसी सखी योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने या किसी और के स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर से यूपी बैंक सखी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना होगा और ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूपी बैंक सखी एंड्रॉयड ऐप आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। सर्वप्रथम अपना नाम भरें, उसके पश्चात अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें और बाकी की पूछी गई जानकारी सही प्रकार से भरें। अपने आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करें। इस तरह अपने रजिस्ट्रेशन पूरा करें और योजना का लाभ उठाएं। हमारे आने वाले वीडियो में हम आपको लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, जिससे आप सरल और आसान तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें और योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना से जुड़ी कोई भी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके आपसे बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इस तरह और वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।